हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 25 दिसंबर और हमारी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने घर के एंट्रेंस से। तो ये वाला जो वाइट वाला घर है ना, ये जो वाइट वाला जो डोर है, सॉरी, वो हमारा है। और ये डेकोरेशन मेरी नहीं है, मेरे नेबर्स की है। मेरे नेबर जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, तो उन्होंने डेकोरेशन करी हुई है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, तो मैंने सोचा एक बार आपको ज़रूर दिखाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ना छोले अभी बॉईल करने रखे हैं, मतलब हो चुके हैं बॉईल। और यहाँ पे मैं एक डेजर्ट बना रही हूँ। वो अभी मैंने दूध यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। बस थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं शुरू करूँगी। आज है क्रिसमस, तो बस वही हमारी छोटी मोटी जो सेलिब्रेशन है उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पास में। देखिए दूध जो है ना वो मेरा अभी बॉईल हो रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कस्टर्ड। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि एक भी जो है ना हमारा लंप ना रहे। इस तरीके से मैं ना अभी मैंने सिर्फ इलायची पाउडर डाला है, मतलब इलायची कूट के डाली है। और अब मैं इसमें ये वाला जो पेस्ट है वो डाल। तो देखिए अब ये पेस्ट ना मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद इसको धीरे धीरे से ना हम इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। और देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा थिक हो चुका है। और उसके बाद लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। और इसके बाद ना इसको थोड़ी देर हमें ठंडा होने देना है, क्योंकि जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो ये और अच्छे से जो है ना थिक हो जाएगा। और अब मैंने गैस बंद कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके लिए ना हमें इस तरीके की जो मीठी वाली ब्रेड होती है ना, हम तो यहाँ पे इसको फ्रूटी कहते हैं, तो ये वाली ब्रेड चाहिए होती है। तो मैंने ये वाली ब्रेड है वो नीचे बेस में लगा दिया है इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसमें ये सारा जो बैटर है वो अच्छे से डाल दूंगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत डिलीशियस होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, और बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ऊपर से मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। और अब मैं इसको ठंडा करने रख दूँगी। ये कितने का ये? कौन सा ड्राई फ्रूट है? ये क्या है? बताओ उसको। अच्छा, ये ब्लैक फॉरेस्ट है। हाँ, ये भी 250 का है, ये 350 का है। और यहाँ पे आया है हमारा कान्हा, जिसको आपने पहले भी देखा होगा एक और बर्थडे व्लॉग में। हाई करो कान्हा सबको। तो कान्हा आया है। हाँ, कान्हा मानू का बहुत अच्छा फ्रेंड है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का बेटा है। तो बस यहाँ पे ना अभी आते ही ये लोग कुछ ऐसे गिफ्ट्स वगैरह से रैप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ओ वाओ, तो मेरी फ्रेंड ने देखिए मेरे लिए ना पोटैटो रोल्स बना के भेजे हैं। और साथ में कान्हा कुछ गिफ्ट्स लेके आया है मानू के लिए। तो क्या गिफ्ट्स हैं भाई मानू, देखो क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं आंटी ने तुम्हारे लिए। अरे वाओ, और देखिए मेरी फ्रेंड ने क्रिसमस केक भी दिया है। देखिए, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में छोले बनाने के लिए। बच्चे अभी आपस में एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक मैं छोले बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखती हूँ ना पहले से ही, वही मैंने डाला है। और इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला और नमक।
और इसके बाद ना मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। इससे क्या होता है ना, मसाला हमारा जलता नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के अगर हम मसाले को डालते हैं तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ मोस्टली जब छोले चने वगैरह बनाती हूँ। तो बस देखिए इस तरीके से मैंने थिक पेस्ट बना लिया है और अब मैं डाल दूँगी। और अभी मान्या और मान्या के पापा गए थे मतलब केक वगैरह लेने के लिए। केक तो खैर काना लेके आ गए हैं, लेकिन ऐसे ही कप केक वगैरह वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया है। और बच्चों के साथ ना एंजॉय करने में सच में बड़ा मज़ा आता है, और साथ साथ में ना बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना बनाना भी मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम लोग छोले और पूरी खाएंगे। तो ये देखिए लास्ट में मैंने बस इसमें गरम मसाला डाल दिया। और ना जब मैंने छोले बॉयल किए थे तो मैंने साबुती उसमें खड़े मसाले डाले हुए थे काफ़ी। तो ये देखिए मेरे छोले बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और पूरी मैं बाद में बनाऊंगी गरम गरम जब बच्चों का खाने का मन करेगा तब। देखो हम क्या करना है कि पापा ने ना मैंने गिफ्ट छुपा के रखा है और हमें वो ढूंढना है, मतलब इसी कमरे के। अच्छा यदि चाहिए ना। हाँ लेकिन एक ही है। तो अभी ये ढूंढ रहे हैं अपना गिफ्ट जो इनको नहीं मिला है, सब जगह ढूंढने में लगे हुए हैं। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तुमको ऐसे देख रहा है ऊपर, इसी रूम में है लेकिन। रख रखा है फैन के ऊपर, अब वहां से कैसे निकलेगा गिफ्ट? किसने देखा पहले? पहले किसने देखा? मैंने देखा, पहले मैंने देखा। हाँ पहले मैंने देखा, पहले मैंने देखा। अब कैसे फैन ऑन करो, आप फैन ऑन करो, फैन ऑन करो, दोनों करेंगे। गिफ्ट गिर जाएगा, गिर गया। मुझे मेरा ढूंढना है। अच्छा जमीन में दूसरा कहाँ है? दूसरा अंदर क्या? दूसरा है कोन में। कोन में कोन? इतना बता दिया मैंने अभी से तो। कोन में मानो कोन क्या हो सकता है? मम्मी बताना नहीं, आप बताना। ये स्टार भी है कोन वाला? नहीं अभी तो यहाँ मत जा, यहाँ मत जा। नहीं मैं मैं बोला अभी उधर मत जाओ, कैसे हो तुम? तो ये अभी तक ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको मिला नहीं है। कहाँ पे है इन्हें समझ ही नहीं आता। यही है ना? हाँ मैंने कहा था ना इसके अंदर होगा। मिल गया, इसी के अंदर। मैं जब ऐसे ही बोला ना कौन इसी के अंदर है। हाँ हाँ वो है स्क्वायर के नीचे, मतलब स्क्वायर पर है, स्क्वायर। हम लोग कर रहे हैं केक कटिंग, और आप सब भी आ जाइए हमारे सेलिब्रेशन में। चलो जल्दी से कट करो, अब साथ में फॉइल पेपर भी कट होने वाला है। मैरी क्रिसमस, मैरी अरे
फ्रेंड्स, बच्चों ने अच्छे से इंजॉय कर लिया, केक कटिंग कर ली, और यही सारे जो क्वालिटी टाइम होते हैं ना, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके साथ साथ ना हम भी अपने बचपन में चले जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं इन सब मोमेंट को, बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में गरम गरम पूरियाँ बनाने के लिए। बच्चों को लग चुकी है भूख, तो मैंने कहा बस मैं फटाफट बेटा पूरियाँ तल देती हूँ और आप लोग खा लो, उसके बाद फिर बच्चे अपना और जो है कुछ गेम खेलेंगे, जो कुछ भी अपना इंजॉय करेंगे। बस मेरी पूरियाँ भी गरम गरम तल चुकी हैं, और ये देखिए यहाँ पे मेरी थाली हो गई है रेडी, जिसमें है जो मैंने अचार आप लोगों के साथ शेयर किया था ना रेसिपी, वो वाला अचार है, गरम गरम पूरी है, सैलेड है, छोले हैं, और साथ में ना मैंने भरवा मिर्च बनाई है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ एक दिन शेयर करूँगी ज़रूर। तो बस तो बच्चे खाना खा रहे हैं, साथ में मैंने अपने हस्बैंड को भी खाना दे दिया है, और अब मैं खा रही हूँ। ये देखिए अचार कितना यम्मी लग रहा है ना, और बना भी बहुत ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और अब लास्ट में हम लोग ये डेज़र्ट खाएंगे। कान्हा ने तो मना कर दिया, अभी वो नहीं खाएगा, और उस समय उन्होंने काफ़ी मीठा खा लिया था, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया था खाने के लिए। और अब खाना खाने के बाद सिर्फ मान्या और मैं खा रही हूँ, हस्बैंड भी मेरे जो है ना वो भी मना कर रहे हैं। और ये देखिए इतना अच्छा, इतना डिलीशियस ये बना था, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है जब हम इसमें ये बैटर डालते हैं ना, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। और बस फ्रेंड्स, मैं अभी ये जो है ना मान्या को दे दूँगी खाने के लिए, और बहुत ज़्यादा ना जल्दी ये बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब मैं अपने लिए भी निकाल लूँगी फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड, मेरा आज का ये व्लॉग यहीं तक का था, और किसी भी कारण अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।